दिल्ली में यमुना में अमोनिया की मात्रा बढ़ने के चलते यमुना में झाग पैदा हो रहा है। पानी इतना गंदा है कि यमुना के पास खड़ा होना मुश्किल है, लेकिन इस गंदगी के बीच महिलाएं छठ पर्व मना रही हैं। दिल्ली से एबीपी न्यूज संवाददाता इलाका आसमी की रिपोर्ट। ये कोई पहाड़ों से निकलने वाली नदी नहीं है, बल्कि ये यमुना नदी है जो राजधानी दिल्ली में इतनी ज्यादा दूषित हो चुकी है कि झाग साफ यहाँ पर नजर आ रहा है। कल इसी पानी में और आज भी इसी पानी में जो छठ व्रतियां हैं वो नहा रही थी, लेकिन ये पानी इतना ज़्यादा गंदा और मैला और दूषित है कि यहाँ पर खड़ा होना भी दुश्वार हो रहा है, मुश्किल है। और इसमें पूरा आप दूर दूर तक के नज़ारा देखिए, मानो कि बर्फ तैर रही हो पानी पर, लेकिन ना ये पहाड़ों का जैसा शुद्ध पानी है और ना ही ये बर्फ है, ये जहरीला फोम है और ये जहरीला झाग है जो अमोनिया बनने की वजह से, अमोनिया की मात्रा बढ़ने की वजह जैसे यहाँ पर बन गया है। कुछ यहाँ पर महिलाएं हैं, छठ व्रतियां हैं जो स्नान कर रही थी, उनसे पूछते हैं इतना गंदा पानी है, इतना मैला पानी है, इसमें जाके आप स्नान कर रही थी, डर नहीं लगा? साफ सफाई होनी चाहिए छठ पूजा के लिए, सारे व्रती आ करके करेंगे त्योहार। ये कैसे, जो पानी की दशा देख रहे हैं आप, यमुना वैली होती हुई उसमें पवित्र होने के लिए महिलाएं जा रही है, पवित्र होंगी या खतरा बढ़ाएंगी बीमारियों? सबसे पहली बात तो ये गवर्नमेंट की नाकामी है, ठीक है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट चंदे से बनी हुई है। वो अगर पहले अनाउंस कर देते कि हमारे पास फंड नहीं है तो पब्लिकों से चंदा ले लेते, कम से कम ये सफाई तो करवा देते, क्योंकि हम खुद ही चंदा देने वाले हैं। 101 रुपए हमने भी दिए हैं केजरीवाल के गवर्नमेंट को। अब ये नाकामी किसको दिखाया जाता? पर्व मनाना हमारी मजबूरी है क्योंकि बहता नदी में पर्व होता है। पिछले साल चलो कोरोना का काल था तो इस वजह से जो है घर में मना लिए, हर साल थोड़ी मना सकते हैं। मनाने के बाद भी पुलिस परेशान कर रखा था। पिछले इतने सालों में ये जो यमुना का नदी है उसको बड़े बड़े दावे जरूर किए गए हैं साफ करने के लिए, लेकिन हालत अभी भी जैसी की तैसी है। हर साल की यही कहानी और हर साल यही मुद्दा उठता है, और इसकी सबसे ज्यादा मार जो है वो आम जनता को दिल्ली NCR की पड़ती है, चाहे वायु प्रदूषण हो, चाहे जल प्रदूषण हो, इस सबसे जूझना पड़ रहा है दिल्ली NCR के लोगों को। जहरीली हवा के साथ साथ जहरीला पानी भी वो पीने के लिए मजबूर है। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ इलाका आजमी, एबीपी न्यूज दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।